ये जैसे फिल्म है परफेक्ट पार्टनरशिप पर आपकी लाइफ में आपका परफेक्ट पार्टनर कौन होगा और कैसे होगा कौन होगा और कैसे होगा ऐसा इंसान जो कि मेरे सपनों को अपना सपना बना दे जो कि मुझे हिम्मत दे मुझे बढ़ावा दे आ, मुझे खुशी दे मुझे हंसाए और जब मैं रोती हूँ तब भी मेरा साथ दे ऐसा कोई इंसान चाहिए मुझे ऑल द बेस्ट क्यों मिलना मुश्किल है अनवी जी अभी हमने मैरी कॉम फिल्म बड़े अच्छी देखी हिट थी लगता है ये फिल्म भी हिट होने होने जा रही है आपको क्या लगता है आपके मुंह में घी शक्कर लगता है राजकुमार राव जी कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में एक्सपीरियंस गानों के गाना बड़ा अच्छा लगा हमें पंजाबी थैंक यू सो मच सर ये दो जादूगर इधर ही बैठे हैं जानी और फैज़ बहुत प्यारा गाना है मेरा भी बहुत फेवरेट है हम सुन सुन के बड़े हुए हैं इस सॉन्ग को और उसको इतना इतना अच्छे से उसको एक नई आवाज़ एक नई कम्पोजिशन कम्पोजिशन दी है जानी ने फैज़ ने इतना सुंदर गाया है और मुझे पता है लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस गाने का तो बहुत जल्दी आने वाला है बाहर सो so, म्यूज़िक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आई थिंक हिंदी फिल्म में म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं हर कहानी का कहानी को आगे लेके जाने का जो हमारी फिल्म में जिस तरह का म्यूज़िक है वो कहानी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है और आपने मेरी कॉम की बात की अफकोर्स मुझे भी बेहद पसंद आई थी आ, बहुत कमाल का, का काम किया था यू नो you know, प्रियंका ने उसमें हमारी फिल्म मेरी कॉम से आ, लेकिन अलग है उस मायने में।, में मेरी कॉम बायोपिक थी लेकिन हमारी फिल्म जो है वो दो लोगों के बारे में है ये एक फ़िक्शनल कहानी है लेकिन बहुत रिलेटेबल है ये हम सब की कहानी है ये यू नो बाप बेटे की कहानी है ये हस्बैंड वाइफ की कहानी है ये दोस्तों की कहानी है तो उस लिहाज से काफ़ी अलग है लेकिन हाँ आपने कहा कि हिट हो जाए तो उसके लिए घी शक्कर तो जानवी ने दे दिया है उसके अलावा आपको जो भी पसंद है सर वो सब आप ले लो गाना बहुत ही खूबसूरत है तो गाना का प्रोसेस क्या था uh, गाने का प्रोसेस आपको क्यों लगा कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगी तो <laughs> 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 था नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी प्रोसेस में बस शूट के प्रोसेस में इन्वॉल्व थी मैं uh, गाने के प्रोसेस में जानी सर यहाँ बैठे हैं और uh, फैज़ भी यहाँ है जिन्होंने जादू किया है इन इस गाने के साथ तो प्रोसेस का सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए मैडम कैसे बना था गाना कितना नमक मिर्ची पाउडर वो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे फैज़ और जानी सर के साथ में जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है बट थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन कैन वी प्लीज हे द नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो हेलो हियर सेंटर सर या शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल मेरा सवाल आप दोनों से है जानवी एंड राज आई थिंक दोबारा आप काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ शूट करना और जब पता चला कि दोनों एक uh, मूवी के लिए uh, जन्वी को जब पता चला राज है आपको जब पता चला जान्हवी है तो क्या रिएक्शन रहा आपका पूरा no, we हमने साथ में पहले काम किया है हालांकि उस फिल्म में इतना आ, काम नहीं था साथ में हमारा एज एन लाइक बिकॉज शी शिव अ गोस्ट तो वो इतना आ, हमारे इंटरेक्शन नहीं था इतना बहुत ही वन साइडेड था <laughs> uh, लेकिन इसमें हमको पूरा मौका मिला है एज एज एक्टर्स टू परफॉर्म टू प्ले आउट द सीन्स और हमारे शरण इतने बेहतरीन निर्देशक हैं तो उन्होंने जो इन्वायरमेंट हमें दिया था ना सेट पे बना बनाकर फॉर अस जस्ट टू परफॉर्म इट वाज ब्यूटीफुल इट वाज मैजिकल वो सेट पे अगर आप होते आपको इतनी अच्छी एनर्जी आती ना उस सेट से तो बहुत मजा आया आवर स्ल अफकोर्स के जानवी है फिल्म में बिकॉज एक एक कंफर्ट लेवल है बहुत ही उम्दा कलाकार हैं बहुत मेहनती हैं बहुत पैशनेट है यू हैव समबडी लाइक यू नो जानवी इन फ्रंट ऑफ यू इट्स ऑलवेज फन टू एक्सप्लोर दो सीन्स टुगेदर